नमस्कार, मैं दीति फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे कार टी सेल्स थेरेपी के बारे में। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। साल 2018 में दुनिया भर में लगभग 90 लाख मौतें कैंसर की वजह से हुई थी। ये आंकड़ा काफी भयंकर है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जिसमें लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल और लिवर कैंसर सबसे आम है। हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए कार टी सेल्स थेरेपी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कार टी सेल्स थेरेपी का इस्तेमाल भारत में पहली बार एक कैंसर के मरीज पर किया गया। इस थेरेपी के बाद मरीज कैंसर मुक्त हो गया है। कार टी सेल्स एक तरह की इम्यूनोथेरेपी होती है, जो शरीर में कैंसर को खत्म करना और सफल काम कर देती है। आपको बता दें कि भारत में भले इस थेरेपी का उपयोग पहली बार किया हो, लेकिन विदेश में ये थेरेपी नई नहीं है। चलिए बात करते हैं कि कार टी सेल्स थेरेपी क्या है। कार टी सेल्स थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का एक इनोवेटिव फॉर्म है, जिसके जरिए इम्यूनो सिस्टम को मजबूत किया जाता है, कैंसर के कोशिकों को नष्ट किया जाता है। इसके साथ ही इस थेरेपी में मरीज के शरीर में मौजूदा टी सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि कैसे काम करती है कार टी सेल्स थेरेपी। सबसे पहले टी सेल्स कलेक्शन। इस थेरेपी के लिए सबसे पहले मरीज के शरीर में टी सेल्स को इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए ल्यूकोफेरेसिस प्रोसीजर का मदद ली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान एक खास मशीन की मदद से मरीज के ब्लड में टी सेल्स को अलग किया जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल और एक्टिवेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद कार टी सेल्स की संख्या को बढ़ने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है, ताकि शरीर में डालने के लिए अधिक संख्या में मिल पाएंगे टी सेल्स। इसके बाद कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें मारने की क्षमता बढ़ाने के लिए कार टी सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।